all, sir, very thank you to you. Because of you, because of your important question list, I score 74. It's incredible. Thank you very much. And jahan tak baat hai, sir, how should I guide someone, is that if you don't like the subject of EIS-SM, it's okay. Just follow Om sir's important question list and follow ICAI book. Try to memorize if you can. Yeah, it's, you have to memorize. Try to memorize examples. Example is the key to score big in EIS-SM. और जहाँ तक बात है मेरी स्ट्रैटेजी की, मैंने दो सब्जेक्ट फोकस की थी, एफ एम ई को एंड ई आई एस एस एम. मैंने सोचा था कि इसमें मैंने मुझे एग्जेम्पशन लानी है, बाकी में मैं कोशिश करूँगा 50-55 ऐसे अराउंड आए. तो बिल्कुल वही हुआ, 74 ई आई एस एस एम में और 59 आई मेरी एफ एम ई को में, और बाकी दो सब्जेक्ट में 50-55 ऐसे ही था. तो जहाँ तक बात है ई आई एस एस एम की स्पेसिफिकली, तो मैंने सिर्फ सर ने जो क्वेश्चन टिक करवाए थे आई सी आई बुक से, मैंने सिर्फ वही पढ़ा. चैप्टर थ्री भी मैंने सिर्फ मैं पूरा नहीं पढ़ पाया. चैप्टर थ्री मैंने सिर्फ एम सी क्यूज किए थे, जो सर एक बुकलेट देते हैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे. तो मैंने सिर्फ चैप्टर थ्री के लिए एम सी क्यू देखा और काफ़ी एम सी क्यूज मैच कर गए. एस एम में भी एम सी क्यूज मैच किए, जो सर ने अराउंड 200 के अराउंड दिए थे. तो अगर आपको पसंद नहीं है एस एस एम, तो यू जस्ट फॉलो वॉट सर हैज़ टिक्ड इन आई सी आई बुक, दैट्स ऑल. दैट इट इज़ एज सिंपल, जस्ट फॉलो सर्स टिक टॉपिक, दैट्स ऑल. थैंक यू वेरी मच.